देखो, बोर्ड की प्रिपरेशन का कुछ फॉर्मेट है जो आपको ध्यान से समझना है। बोर्ड का पेपर सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं, वन लाइनर्स। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा पेपर का अटेम्प्ट करने का, वो या तो वन लाइनर से होगा, वन वन मार्क्स क्वेश्चन का होगा, या सीधा 5 नंबर का होगा, वो 2 और 3 का नहीं होगा। तो आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पहले एक एक नंबर के कर देने हैं या पहले 5 वाले करने हैं। वैसे प्रेफर करो एक एक नंबर वाले, जल्दी हो जाते हैं, काम खत्म करो। उसके बाद आपने सीधा सेक्शन नंबर 5 पे जंप करना है, 5 नंबर वालों को ज़्यादा टारगेट करना है, फिर 3 का, फिर 2 का। तो ये स्ट्रैटेजी एक बार करके देखना, इससे आपका पेपर टाइम पे पूरा होगा। क्योंकि रीज़न ये है कि जब आप पेपर में जाते हो तो पहला पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा कॉन्शियस होते हो, पेपर की जो स्टार्टिंग है ना सब्जेक्टिव, आप खराब नहीं करना चाहते। 2-3 पेज आराम आराम से राइटिंग भी एकदम सही बना के रखोगे, एंड में पेपर जैसा जाता जाए। तो होता क्या है, शुरू में आप 2-2 नंबर में ना आपको फ्लो में पता नहीं लगता, आप बहुत ज़्यादा लिखना स्टार्ट कर देते हो और टाइम भी लगाते हो। 5 नंबर में आते आते टाइम खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर आप जल्दी जल्दी करते हो और आपके नंबर कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप पहले 1 नंबर ख़त्म करो, फिर 5-5 वाले करो। अगर 5 वाले नहीं आते तो फिर मत करो, वो करो जो आते हैं। ये मत सोचो कि आउट ऑफ सीक्वेंस जा रहा है, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो चेकिंग वाला अपने आप देखेगा उसको कैसे करना है, उनकी चेकिंग का फॉर्मेट होता है, उसमें हमें लेना देना नहीं है। तो 5 वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आज हम देखेंगे वो सीधी डेरिवेशन और सीधे क्वेश्चन हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ठीक होने की। और उसमें जितना भी लिखोगे, जैसा भी लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें पहले प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग लिखनी है, डायग्राम है, मैथमेटिकल ज़्यादा लिखना है, थ्योरियाँ कहानियाँ नहीं बनानी ज़्यादा। मतलब आधा पे भी लिख के आया हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सी अब टाइम नहीं है इतना पढ़ने का। स्पेसिफिक रहो, जो लिखना है बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखो, मैथमेटिकली लिखो। तो हम डिस्कस भी करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक। तो ऑब्वियसली आज के टेस्ट, आज के इसमें लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि क्या क्या आया हुआ है पिछले 4 साल के पेपर में। आपने जब, क्योंकि नेक्स्ट टाइम टेस्ट है आपका, तो आप जब तैयारी करोगे तो इन क्वेश्चंस को, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने नहीं छोड़ना। मुझे पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, पिछले 4 साल के जो पेपर्स हैं वो हमें थोड़ा आइडिया देते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट पे बनता है। तो क्या क्या फ्रिक्वेंसी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, एक बार देखते हैं। तो पहले 2022 का पेपर अगर हम देखें, आज हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स से डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर 2022 के पेपर के अंदर, क्योंकि कोविड का केस था, सिर्फ टर्म 2 ही आया था, टर्म 1 तो था नहीं इसमें, टर्म 2 का पेपर है ये। टर्म 2 के अंदर वैसे दिखा देता हूँ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स है नहीं, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नज़र मरवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मॉडर्न फिजिक्स है, जैसे बोहर्स पॉस्टुलेट्स हैं, जैसे सोलर सेल है, प्रोटोन, ये मॉडर्न फिजिक्स का न्यूमेरिकल है ठीक, डिफ्रैक्शन पैटर्न है YDSC, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर TIR, लिखो TIR प्रिज्म में करके भी दिखाओ, प्रिज्म वाला क्वेश्चन कई बार मैंने कहा TIR में आता है। रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, हमने NCERT में किया था रिफ्रैक्शन, U पता है, V निकालो। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड मॉडर्न फिजिक्स का न्यूमेरिकल है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ के ऊपर, YDSC का न्यूमेरिकल है बीटा फ्रिंज विड्थ के ऊपर, EM वेव्स है जिसमें कौन सा माइक्रोवेव का सोर्स क्या है ये आपको बताना है, अल्ट्रावायलेट रेस, सन या जो भी है, टैनिंग बेड्स या इंफ्रा सोलर रेडिएशन एंड फायर, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है। नेक्स्ट है कोहरेंट सोर्सेज YDSC, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन हमने किया था क्लास में डिफरेंस ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे न्यूमेरिकल आया है ठीक, माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल दूसरा ऑब्जेक्टिव में भी आया है, तीसरा भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया है, फोकल लेंथ आया है मींस लेंस मेकर के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो ये आप अगर मेरे सिर्फ, अगर आप सिर्फ ये देखें कि क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं तो बहुत मुश्किल फॉर्मेट नहीं है क्वेश्चन का, पर क्योंकि आज हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स करना है ये पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्योंकि ये वाला पेपर सिर्फ पार्ट 2 में से बना है, तो हम पिछले पेपर देखेंगे 3 साल के जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर बेस्ड है। ये पेपर मैंने गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिए हैं, आप जाके चेक कर लेना। तो आपको बुक लेनी है बुक ले लेना, आपने यूलाइक का पेपर ले लिया, आप तैयारी कैसे करोगे, यूलाइक ले लो, यूलाइक का इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटेंस रिवाइज करना है आपने, फिर आपने टेस्ट देना है, और पुराने पेपर भी देख के आने हैं आपने। तो पुराने पेपर्स के अंदर मैंने गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिए हैं सारे पेपर्स ये सॉल्व, अब वहाँ से एक नज़र मार लेना ठीक। तो इसके अंदर जैसे
2020 में चलते हैं, 19 में तो हुआ नहीं था, तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन 111 बताया एस जो डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन है। क्यूरीज टेम्परेचर मैग्नेटिक पे, ये जैसे चैप्टर हम रोज डिस्कस करेंगे उसमें एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, आज सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स का उठा रहे हैं बस मुझे। डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। ईएम वेव पे ऑब्जेक्टिव आया है, पीएन जंक्शन पे ऑब्जेक्टिव आया है, एन टाइप न्यूक्लाई मॉडर्न फिजिक्स पे आया है, बाइंडिंग एनर्जी पे आया है, अल्फा बीटा डीके पे आया है, यहाँ से स्टार्ट है। 11th क्वेश्चन जो है वो ईएम वेव जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का आया है। तो 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग दी सर्फेसिस आर फाइ वन एंड फाइ टू। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एंटर कर रहा है, लाइंस एंटर कर रही हैं और लीव कर रही हैं, आपको बताना है उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, फाइ टू माइनस फाइ वन, जो लीव कर रही हैं और जो आ रही हैं, जो लीव कर रही हैं पॉजिटिव, जो आ रही हैं वो नेगेटिव। तो फाइ टू माइनस फाइ वन फ्लक्स है, और फ्लक्स होता है क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। आई होप आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक लाइनर। नेक्स्ट है वाईडीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट रिजॉल्विंग पावर के ऊपर क्वेश्चन है, हमने किया था ये फॉर्मूले के ऊपर, हमेशा क्वेश्चन आता है, बताया भी था मैंने। पोलराइज लाइट जो आप सिलेबस में रही नहीं है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इम्पीडेंस करेंगे जब इम्पीडेंस की बारी आएगी। मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है, हर सेट में आया हुआ है वन लाइनर, तो उसमें देखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्वेश्चन आया हुआ है, डी ब्रॉगली के ऊपर, फोटोन की एनर्जी के ऊपर आया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है कन्वर्जन के ऊपर, तो पक्का क्वेश्चन आता है, एम मीटर टू वोल्ट मीटर, एम मीटर टू जो भी है गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर, शंट आएगा क्वेश्चन। एलसीआर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट भी एलसीआर के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ईएम वेव के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आया है, ऑप्टिक्स के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल, गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड का, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन आया है, अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं आया है, ठीक। नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल, सेक्शन सी से स्टार्ट किया उसने, तो दो डायपोल्स लिए उसने ए बी और सी डी, तो दो डायपोल्स हैं, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट पी, तो डायपोल मोमेंट क्या है इनका, पी है, आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, तो दोनों डायपोल में एंगल 120 है, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर है, फिगर के अंदर वो कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ए बी डायपोल है माइनस से प्लस, डायपोल मोमेंट ऊपर है, एक डायपोल मोमेंट सी डी है, ये रहा डायपोल मोमेंट, एक इधर है एक ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, वेक्टर की प्रॉब्लम है, एक पी वेक्टर ऊपर है एक पी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर हमने किया तो पी स्क्वायर टू पी पी कॉस 120 कॉस 120 माइनस हाफ है, पुट करके आंसर पी आ गया। तो पहला पार्ट वेक्टर के ऊपर है, डायपोल के ऊपर तो है ही नहीं एक तरीके से। नेक्स्ट है इसी का दूसरा पार्ट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अब टॉर्क निकालना है, अब टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पीई साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन पी एंड ई, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक नेट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल ढूंढना पड़ेगा। इसने सोल्यूशन मुझे पता नहीं कैसे किया, सोल्यूशन ये होना चाहिए था जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा, जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर वो इसका ये डायपोल तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा आर वेक्टर ऐसे, ये आ गया। तो इस रिजल्टेंट का आपने ये एंगल टैन बीटा से निकालना है, याद है टैन बीटा क्या होता था, पैलोग्राम लॉ वेक्टर डिशन में टैन बीटा का फॉर्मूला लगाना है, पी साइन थीटा बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा, थीटा 120 है, तो आपको ये बीटा पता लगेगा, जब बीटा पता लगेगा तो इसमें से ये माइनस करके आपको ये एंगल थीटा पता लगेगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि यहां पर 30 आएगा। फिर आप पीई साइन थीटा से क्या करोगे, इसका आंसर निकालोगे। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ऐसा फील हो रहा है जैसे वेक्टर का कॉन्सेप्ट ज्यादा है और इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट इसमें कम है, पर चिंता की जरूरत नहीं, आप सोचोगे कैसे होगा, कोई टेंशन नहीं, सीबीएसई वाले बहुत दयालु भी हैं और भी लगा के देते हैं, नहीं पसंद कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है ये शीट की प्रॉब्लम है, अगर आप चेक करोगे आपको शीट में ऐसी प्रॉब्लम दिखेगी, सेम क्वेश्चन है।
ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर एक दो और तीन किस में, पैरेलल में। आपको याद है सिखाया था व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले ये क्वेश्चन, तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इसमें यही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो C1 C2 C3 सब के बने, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो एक क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां से निकाल देनी है। फिर अगला पार्ट है मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी बताओ। तो जब आप ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, बैटरी का, बैटरी 7 वोल्ट की पता ही है आपको, टोटल सी आ गया, टोटल वी आ गया, तो टोटल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये भी पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो टोटल चार्ज आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, वी पता है टोटल चार्ज आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क निकाल लो, जब टोटल कैपेसिटेंस आ गई, टोटल वी आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर से टोटल एनर्जी भी आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट, उससे बेटर है डायपोल मोमेंट से। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले जिसमें और है वो एक बार इवेल्युएट कर लिया करो कि किसमें ज्यादा आता है किसमें कम आता है। ठीक, नेक्स्ट है, तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स का, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में से, तीन तीन वाले। तो अगला है ड्राइव कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो पूरी थ्योरी आ गई, राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज का के बारे में आपको लिखना है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो आपने वो सब लिखना है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या करता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और कंडीशन बनाने के लिए किरचॉफ लॉ से आपको प्रूफ करना है, प्रूफ होने किया हुआ है। नेक्स्ट है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज एंड मीटर ब्रिज टू एक्सप्लेन हाउ इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज की पूरी थ्योरी इसमें लिखनी है, फिर पी बाई क्यू आर बाई एस या एल 100 माइनस एल प्रूफ करना है। तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का भी और मीटर ब्रिज का भी, इससे आसान नहीं हो सकता इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, अब तो फिर नहीं आएगा, तो पुराने पेपर है तो मीटर ब्रिज नहीं है तो नहीं आएगा। फिर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा आने की व्हीटस्टोन ब्रिज की तो है ही है, अब दो में से ये तो रेगुलर आ ही रहा है तो ऑब्वियसली तो आना ही आना है। अब चिंता ना करो, आधे घंटे के बाद आप देखना, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन क्या आते हैं, अभी आप देखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, तो मीटर ब्रिज हो गया, चलो ये तो कैपेसिटेंस का एसी का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं अभी। टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पक्का आना ही आना है, एस्ट्रोनॉमिकल और ये सब आने ही आने हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आना ही आना है, हाफ लाइफ पीरियड आया हुआ है, चलो अब तो नहीं आएगा, आएगा पता नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखना चाहता हूँ मैं, सोलर सेल, ओके। ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम की एक तीन नंबर की डेरिवेशन, हर साल खोल के देखोगे हर साल आई हुई है, तो गॉस थ्योरम तो सारे पार्ट्स करके ही जाने हैं। जैसे इस साल आया हुआ है, इस साल में यूज गॉस लॉ टू शो दैट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो उसने चार्ज स्फेरिकल शेल लिया जिसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द शेल एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर फ्रॉम इट सेंटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट व्हेन एंटायर चार्ज ऑन द शेल वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। कह रहे ये बताओ कि अगर एक सारा चार्ज एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है तो आर डिस्टेंस के ऊपर ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0Q/r का स्क्वायर। तो ये आंसर आना चाहिए, गॉस थ्योरम से प्रूव करो कि एक शेल जिसके ऊपर क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पे सेम आंसर देगा। पता ही आपको इसका, आपने प्रूफ किया ही हुआ गॉस थ्योरम का, और आपको ये भी पता है कि सेम आंसर देना है, तो पहले आपने इसका प्रूफ करना है, फिर दूसरे केस में आपने बताना है कि पॉइंट चार्ज है, केस नंबर 1 केस नंबर 2, तो अच्छे से लिखना है, क्लियर लिखना है, कहानियां नहीं बनानी, टाइट टाइट नहीं लिखना, खुला खुला लिखो केस नंबर 1 की शेल का केस है, केस नंबर 2 पॉइंट चार्ज का केस है, दोनों में इसको ड्राइव करो, इसका फॉर्मूला सीधा लिखो, फिर लिखो कि दोनों केसेस में आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो टीचर को बिल्कुल फ्लो चार्ट से समझ आना चाहिए आपने किया क्या है, उसको ढूंढना ना पड़े। याद रखना, अगर वो इरिटेट हो गया पहले चेकिंग में, आपने पेपर की स्टार्टिंग अच्छी नहीं की, बेकार लिखना शुरू किया, या आपने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो नहीं आते, उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टूडेंट थोड़ा सही तरीके से नहीं पढ़ के आया, और जब चेकिंग में उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ गया ना, तो आधा आधा नंबर भी काटना शुरू कर दिया उसने, 5 में से 4.5, 5 में से 4.5, आधा आधा करते करते 1% खा जाएगा आपका, कम से कम 5-10 नंबर तो ले ही जाएगा 2% तक। सिंपल है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान से देखो, इरिटेट हो गया तो कर देगा। तो आपने स्टार्टिंग ऑफ पेपर बनानी ऐसी आधा पेपर कि मुझे आता है, सिंपल। और थंब रूल सीबीएसई का, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, आपको कि मुझे आता नहीं है, कुछ भी लिख के आओ उसके बारे में, आपको बिल्कुल नहीं आता, किस चैप्टर का है वो तो पता है,
जिस भी चैप्टर का उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी पता है, लिख के आओ, नहीं छोड़ना। और ज्यादा लिख के आओ, अगर नहीं आता तो ढूंढता रहेगा बैठ के इसमें क्या करना है, कुछ तो देख ही जाएगा। वह आधा पेपर बढ़िया है, आधा पीछे वाला नहीं भी आता, जब इतना बढ़िया पेपर चेक कर दिया तो एक आध तो वैसे ही वो कर ही जाएगा जैसे भी करना है। तो चलो इतना होता नहीं है, पर वैसे जैसे बता रहा हूँ कि आपने अनअटेम्प्ट तो छोड़ना ही नहीं है। खाली पेज का कोई नंबर नहीं मिलता, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भरे हुए पेज का फिर भी चार में से एक, चार में से दो कुछ तो देख ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई ये ना कहे कि मैंने पांच नंबर का तो छोड़ ही दिया, बस फिर तो आप गए। मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं, आप मानोगे नहीं, किसी साल पेपर बहुत टफ आ जाता है, पता नहीं लगता सीबीएसई का, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी। और ऐसा हुआ है पिछले 10 साल में, एक आध मुझे अच्छे से याद है, एक साल ऐसा आया पेपर सच में लोगों को, उनको स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा थोड़ा। तो उस केस में जिन्होंने ठीक अटेम्प्ट भी किया हुआ था ना, तो भी उनको मार्क्स सही आए, और जिसे अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको मार्क्स सही नहीं आ सकते। पेपर वैसे तो सही बनता है सीबीएसई का, मुश्किल पर नहीं बनाते, मॉडरेट पेपर बनाते हैं, तीन लेवल में पेपर बनता है। देखो दो तीन क्वेश्चन तो डालेंगे, न्यूमेरिकल डालेंगे, और बाकी सिंपल पेपर आता है। पर पेपर अगर जरा सा भी टफ हो जाए, ऐसा लगे कि मुश्किल आ रहे हैं, छोड़ के नहीं आना, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ के आना। शो ऐसे ही करना है कि हमें सारा पेपर आता है, बस अब उसमें क्या लिखे हुए वो आप देखो। वैसे ऐसा होता नहीं है, दो तीन क्वेश्चन ही होते हैं जो तंग करते हैं, उसको एंड में करना, उसको प्लीज बीच में मत फंसाना, उसको एंड में करना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब सेक्शन चेंज करो, बहुत क्लियरली ऊपर मेंशन करो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 27। फिर आपने सेक्शन सी करना है, उसके बाद सेक्शन सी बड़ा बड़ा लिखो क्वेश्चन नंबर 30। उसको क्लियर होना चाहिए भाई किस सेक्शन का नंबरिंग। अगर आपने गलत कर दी फिर तो आपको नंबर नहीं मिलते, क्योंकि चेकिंग के दौरान उसको आगे ना भरना होता है कॉलम, उसमें बॉक्स बने होते हैं, 30th क्वेश्चन में कितने नंबर हैं, 29th में कितने नंबर हैं। अगर आप वो सेक्शन और नंबर पुट करोगे तो सही नंबर प्लॉट करेगा, वो नहीं करोगे इतना समय नहीं आएगा, हो सकता है वो छोड़े यार, कौन चेक करेगा इसने क्या किया क्या नहीं किया, चला के ऐसा नहीं करना आपने, ठीक। तो टीचर को उलझाना नहीं है कहने का मतलब, ठीक, बिल्कुल क्लियर पेपर लिखना है और स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया करनी है। आगे 2 point charges 1 and 4 माइक्रो कूलम आर कैप्ट 30 centimeter अपार्ट, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम 1 micro कूलम चार्ज ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग 2 charges विल दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो ये हमने बहुत क्वेश्चन किए, जहाँ ई निकालना है वहाँ +1 रखो, वेक्टर ड्रॉ करो, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, नेट ई करने के लिए दोनों वेक्टर्स की वैल्यू को इक्वेट कर दो, आंसर एक्स आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमारी बुकलेट के पहले 2-4 शीट्स के बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल, ठीक। नेक्स्ट है ये प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो शेल का ग्राफ प्लॉट कर रहा है ई का और आर का, ये ग्राफ क्वेश्चन भी हो गया। और नहीं पसंद कोई बात नहीं, 2 point charges Q1 Q2 are kept r distance apart in uniform electric field E. Amount of work done in assembling the system of charges. बोलो क्या लिख के आओगे इसमें, क्या derive करोगे इसमें दो नंबर में, एक formula तो लिखोगे नहीं ना, क्या है work done का formula क्या होगा बोलो इसमें। अच्छा ये कौन सा topic है, potential energy, बिल्कुल सही। जब Q1 Q2 दो charges हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस करवाया था ना, 3 charges 4 टू चार्जेस की डेरिवेशन है। अब क्योंकि ये दो नंबर में है, एक नंबर में होता फॉर्मूला लिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि जब आपने Q1 चार्ज रखा था तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पहले का 0 था, W1 0। फिर आपने Q2 रखा, दो स्टेजेस बनाओ ताकि वो समझो, दो नंबर तो दे दो स्टेज के, पर ये फॉर्मूला लिख दिया 1/4 Q1 Q2 R, क्या है उसका नंबर मिलेंगे दो नंबर आपको, स्टेप्स लिखो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का ही टॉपिक है, हर पेपर मैंने देखा पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन तो आई हुई है हर बार। अजीब लगेगा आपको, एक क्वेश्चन डायपोल का, एक फ्लक्स का, एक पोटेंशियल एनर्जी का और एक कैपेसिटर का, ये चार में घूम रहा है पूरा पेपर। फिर देखो अब वो क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है एक क्यूब है 20 centimeter साइड है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहां पर पोटेंशियल ये रहा 10x+5। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है, क्या लगाएं फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू क्या, -dv/, बिल्कुल सही, डिफरेंशिएट करेंगे -10 आंसर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 10 आ जाएगा, सिंपल एक आंसर। नेक्स्ट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। अब एक क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, जितनी लाइन्स एंटर करेंगी उतनी लाइन्स बाहर आएंगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा,
जीरो, आंसर इज जीरो, सही है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बस यही क्वेश्चन है, आसान है यार, पांच नंबर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो और क्या चाहिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड का चलो क्वेश्चन आया हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे इसे, ठीक। टॉर्क का क्वेश्चन टॉर्क में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का आया हुआ ये भी। लेंस मेकर, कन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल भी आया हुआ है लेंस मेकर के साथ, ये भी ऑप्टिक्स में देखेंगे। लेंस और मिरर का आया हुआ है वैसे। वेव फ्रंट आया हुआ है, वेव ऑप्टिक्स है, हाइगन प्रिंसिपल पर प्रूफ आया हुआ है, बाद में देखेंगे। बस इलेक्ट्रोस्टैट्स में यही आया हुआ है, कोई बुरा नहीं है, जितना बड़ा था उतना पेपर ठीक है, ठीक है। इसके बाद 2020 से पहले 2019 आउटसाइड दिल्ली, मतलब सीबीएसई, दिल्ली बोर्ड अलग है और आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई है, ठीक है। जब बुक परचेज करोगे तो पता होना चाहिए, या एआई लिखा होता है, एआई का मतलब ऑल इंडिया, सीबीएसई, ठीक। तो क्वेश्चन है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स की है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, तो एक के ऊपर चार्ज क्या है माइनस क्यू है, दूसरे के ऊपर चार्ज क्या है प्लस थ्री क्यू है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने रख दिए एंड सेपरेटेड। अब वो कह रहा है कि ये बताओ नेचर ऑफ कूलम फोर्स क्या होगी, तो जब आप इन्हें लेके आओगे और सेपरेट करोगे, जब पास लेके आते हो नेट चार्ज क्या होगा, थ्री क्यू माइनस क्यू बाई टू बाई टू एवरेज हो जाता है, याद है। तो दोनों का नेचर एक, चाहे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, तो आंसर रिपल्सिव होगा नेचर, सिंपल है। नेक्स्ट है शेल है, एक शेल का ये थिक शेल है, अंदर का रेडियस आर वन है, बाहर का आर टू है, वो कहेगा पॉइंट चार्ज रखो क्यू और सिग्मा बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर और आउटर शेल पे, इंडक्शन लगेगी प्लस क्यू माइनस प्लस, तो इसका सिग्मा क्या होगा माइनस क्यू बाय अंदर का एरिया और बाहर का सिग्मा क्या होगा प्लस क्यू बाय बाहर का एरिया, डन, सिंपल है, सिग्मा आसान इजी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट है, ईएम वेव्स का क्वेश्चन है, ये फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन है, और गॉस थ्योरम, फिर गॉस थ्योरम पे क्वेश्चन अगले साल में भी। गॉस थ्योरम टू शो दैट फॉर अ चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इफ द एंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा 2020 और 2019 का क्वेश्चन रिपीट सा नहीं लग रहा आपको, हाँ ये रिपीट ही है। तो आप ये देखो कि गॉस थ्योरम में एग्जैक्टली उसी को उठा के डाल दिया जो एक साल पहले था, और बताओ क्या चाहिए, पॉइंट समझ में आ रहा है, सेम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, और जो नई तैयारी करके आया कोई बात नहीं, ये तो करके आएगा, दो एप्लीकेशन तो करके आएगा, शीट की एप्लीकेशन डाल दी, इनफाइनाइट शीट के अंदर बाहर ई निकाल लो, हमने किया था ये भी, तो गॉस थ्योरम का क्वेश्चन तो समझो पक्का ही है, क्लियर है। नेक्स्ट है, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसको बाद में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ईएम वेव्स है, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, रिजॉल्विंग पावर, हर बार क्वेश्चन आता है, याद है करवाया था रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, करवाऊंगा ऑप्टिक्स आएगा तो ये आएगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सेमीकंडक्टर्स है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा खैर इसका। नेक्स्ट है ये तो पोटेंशियोमीटर तो आएगा ही नहीं खैर, ये तो मीटर ब्रिज फिर आ गया, अब कहते हैं नहीं वो मीटर ब्रिज है, तो क्या आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा अगर मीटर ब्रिज नहीं है तो मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा आता ही आता है, ये भी नोट करो। नेक्स्ट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, ये अभी बाद में करेंगे हम। गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया हर साल ये भी आना ही आना है, एम मीटर या वोल्ट मीटर का क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट है फिर और में भी वही डाल दिया, एक में एम मीटर का न्यूमेरिकल, एक में वोल्ट मीटर का डाल दिया। नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ आनी ही आनी है, बता दिया मैंने आपको, इंस्ट्रूमेंट आना ही आना है, थ्योरी या न्यूमेरिकल आना ही आना है, ये भी बता दिया। प्रिज्म का चलो न्यूमेरिकल, इसमें थ्योरी दे दी उसने। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट डाला हुआ है और डी ब्रॉगली के ऊपर न्यूमेरिकल है ये। बोहर्स के तो आने ही आने हैं कोई क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी आनी आनी है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी बैटरी, एक कैपेसिटर को डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक्सप्लेन हाउ द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड, प्रोसेस बताओ। वैसे तो कैपेसिटर की चार्जिंग ऐसी है, ये आपने कैपेसिटर लिया, ये आपने बैटरी ली, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ने इसके सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं और इसको दे देने हैं,
तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर, बस ये आपने एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। डायग्राम बनाना है, एक नंबर का है तो दो लाइनें लिख दो, दो नंबर का है तो घुमा घुमा के लिखना तो पड़ेगा यार, दोनों लगे से ही दो नंबर है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तो एक नंबर का ही होगा। खैर ये कह रहे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, वो कर सकते हो इसमें। ठीक, नेक्स्ट है जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज एज शोन इन अ फिगर, तो ये फिगर है जिसमें वी और एक्स का ग्राफ गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी और एक्स का ग्राफ दे रहा है, ई और एक्स का ग्राफ पूछ रहा है। अब पोटेंशियल जो है वो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट, फिर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से एक और चीज है सच, इसमें इसके अंदर मैं बताना भूल गया, इसमें स्लैब भी डाली है। देखो दो पार्ट्स हैं इसमें, सॉरी, ये फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं बी पार्ट फिर से पढ़ता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ वी, आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज डबल, तो सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डिस्टेंस डबल होगा, कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। फिर कह रहे हैं स्लैब को भी डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक को और स्पेस के अंदर, तो ये चीजें कैसे अफेक्ट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, एनर्जी कैसे चेंज होगी। याद है बुकलेट में बताया था कि अगर कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो ये फैक्टर कैसे चेंज होंगे, और डिसकनेक्टेड रहेगी फैक्टर कैसे चेंज होंगे, उनमें से क्वेश्चन डाल दिया। क्या हुआ है, हमने कैपेसिटर डबल हो जाती है और ये सब हमने किया था, तो ये शीट की प्रॉब्लम है, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सब एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे, वो कह रहे हैं आखिरी पार्ट है कि V, वो जो मैं बता रहा हूँ कि V इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना है। देखो जो V E होता है वो dV by dx है, पहले V कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, स्लोप कॉन्स्टेंट है, स्लोप कॉन्स्टेंट है, E इज माइनस dV by dx, तो dV by dx तो स्लोप ही है उसकी, अगर आप dV, ये y एक्सिस में V है, x है, स्लोप क्या होगा, dV by dx, स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट, तो E क्या होगा, माइनस dV by dx, तो ग्राफ पॉजिटिव नहीं बनेगा, ग्राफ नेगेटिव बनेगा और कांस्टेंट बनेगा। फिर v कांस्टेंट हो गया तो e जीरो हो गया, e जीरो हो गया, फिर v जो है वो डिक्रीज हो गया तो e पॉजिटिव हो गया, सिंपल ग्राफ है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि e की वेरिएशन कैसे चलेगी इसमें। ठीक, नहीं पसंद कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब शीट ओपन करना बुकलेट की, उसमें डेरिवेशन की हुई है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की और स्टेबल अनस्टेबल भी एक्सप्लेन कर रखा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में यू नेगेटिव होता है, अनस्टेबल में यू पॉजिटिव होता है, तो ये आपने वहां से पढ़ने। और इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरी जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो है, ई जीरो है, वहां वी जीरो होगा, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि ई तो वेक्टर है तो कैंसिल हो जाता है, पर वी वेक्टर नहीं है, वो स्केलर, वो ऐड हो जाता है। तो आपने कोई एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन कर देना है, कोई भी एग्जांपल दे देना जिसमें E जीरो होगा और V जीरो नहीं होगा, एक्सप्लेन कर देना इसमें। ठीक, नेक्स्ट है LCR है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है AC जनरेटर, बहुत आता है AC जनरेटर, लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल है, पोलराइज लाइट अब आती नहीं है। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा हमने, अगर तैयारी करनी हो तो फ्लक्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन पक्का है, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पक्का है, पोटेंशियल ई और वी का न्यूमेरिकल, फ्लक्स का एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और कैपेसिटेंस बेसिक क्वेश्चन कैपेसिटेंस का भी आएगा, अभी तक तो ये चल रहा है, टॉर्क भी आ सकता है और वर्क डन भी आ सकता है। नेक्स्ट है 2018 में चलते हैं, इसके पहले के पेपर भी मेरे पास, मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, जो देखने देख लेना, देखने जरूर चाहिए, रिपीटेशन होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, दो बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ईएम वेव की प्रॉब्लम है, पीक वोल्टेज ये छोड़ दो, ये रहा कुछ चार्जेस इसमें गिवन है, क्या चार्जेस गिवन है, क्यू 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 एंड क्यू, क्यू 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 एंड क्यू, आपको नेट फोर्स निकालनी है कैपिटल क्यू पे, ये रहा कैपिटल क्यू, याद है ये तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो अगर आपको यहाँ नेट फोर्स निकालनी है तो ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, वेक्टर सम निकाल देना आंसर, आसान है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बोला था ना आता है, अब कितने चार्जेस हैं, चार, तो फॉर्मूला लिखें पोटेंशियल एनर्जी का, पहले इन दोनों की
फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, और फिर इन दोनों की, तो छह सेट ऑफ एनर्जीज आएंगी, इनको ऐड कर देना आंसर आएगा। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और में नहीं पसंद कोई बात नहीं, ये ले लो, तीन चार्जेस दे रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा है, साइड एल है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, भाई नेट चार्ज निकालना है, फोर्स निकालनी है, ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, एक वेक्टर इधर एक इधर, नेट रिजल्टेंट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया यहां तक, एक आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। बोलो क्या करूं, इन तीन चार्ज को उठा के इन्फिनिटी पे फेंकना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या इसमें क्या टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी से तीन चार्ज को लेके आए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, या तीन चार्जेस को उठा के इन्फिनिटी पे छोड़ के आए तो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। सेट ऑफ तीन चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी पहले इन दो चार्ज की, फिर इन दो चार्ज की, फिर इन दो चार्ज की, ऐड कर देना आंसर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। सही, देखो उसने चार पेयर की भी एनर्जी पूछी, तीन चार्जेस की भी पूछ ली, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने देखा आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, चलो इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया हुआ है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कोई बात नहीं, जो डिलीट हो गया, प्रिज्म वाला टी आई आर आना ही आना है, ऑप्टिक्स है ये, वाई डी एस सी है, ये क्वेश्चन शीट का याद है, लेंस मेकर ये भी नहीं करना, मॉडर्न फिजिक्स है, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, रेक्टिफायर है, ट्रांजिस्टर, ये तो अब इतना सिलेबस कट गया ना, इतना न्यूमेरिकल पर आएगा नहीं अब। नेक्स्ट है, लो फिर आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर की स्केलर, स्केलर पॉइंट चार्ज क्यू, पहला न्यूमेरिकल था फ्लक्स का वाली शीट का, एक शीट के ऊपर d/2 डिस्टेंस पे क्यू रख दिया, तो फ्लक्स निकालो इस शीट का क्या होगा, कैसे सिखाया था, इस शीट को, इस चार्ज को कवर करो छह शीट से, क्यूब बना दो, पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, एक शीट का क्या होगा, डिवाइडेड बाय 6, आंसर आसान है। फिर अगला पार्ट है कि मान लो वो कह रहे हैं अब इस चार्ज को डी बाय टू की बजाय मैंने डी डिस्टेंस पे रख दिया, तो डिस्टेंस को बढ़ा दिया और स्क्वायर की साइड को भी बढ़ा दिया, क्या फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्यूब तो वैसा ही बनेगा और पर शीट का क्या बनेगा, 1/6 टाइम क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है भी, ठीक। फिर नेक्स्ट आ गया, नहीं पसंद कोई बात नहीं, नेक्स्ट, गॉस लॉ टू डराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन लाइन चार्ज थी ये रहा। फिर कह रहे ग्राफ भी ड्रॉ करो ई वर्सेस आर का, ई का फॉर्मूला लाइन चार्ज में आता था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, यानी कि हाइपरबोला है। सही यहां तक, नेक्स्ट है फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2, कौन सा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी, पहले डिस्टेंस R1 है तो वर्क डन क्या होगा, 1/4, एनर्जी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1, फिर बाद में क्या होगी, Q1 Q2 बाय R2, दोनों को माइनस करेंगे नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन डन, तो आपको एक आइडिया हो रहा है पेपर क्या सेट हो रहा है, क्लियर है। सैंपल पेपर से नहीं पता लगता, इनसे पता लगता है इकट्ठे देखने से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना इसी फ्रीक्वेंसी पे इस साल आएंगे, तो पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जान के इसको बाद में डिस्कस नहीं करता, लोग सिलेबस करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर कहते हैं जाते हुए ना पुराने पेपर कर जाना, अरे पता लगे अनाप शनाप पढ़ के चले गए भाई, 15 दिन यहाँ खराब कर दिए और पता लगा अच्छा ये आता है, तुम्हें पता ही नहीं क्या होता है, तो पहले देख लो, जब आप तैयारी करोगे करना सारा ही है, पर एटलीस्ट इन टॉपिक्स आपको माइंड सेट हो जाएगा कि ये टाइप के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आते हैं, बात समझ में आ रही है, और तैयारी करते हो ना आपके बैक ऑफ माइंड पता लग गया कि ये चीजें मुझे करनी है, डायपोल एनर्जी ये सब आती हैं। अब जैसे एसी जनरेटर, फिर वही सेम रिपीटिशन है, LCR डेरिवेशन, ऑप्टिक्स, हाइगन प्रिंसिपल, वही हाइगन प्रिंसिपल का प्रूफ, YDSC सब कुछ। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक और पेपर देख लेते हैं, पेपर ही पेपर है, जितने मर्जी देखी जाओ, ये लो 17 देख लो, 16 देखो, जो मर्जी देखो, क्या फर्क पड़ता है, टॉपिक तो भाई अब रेंडमली उठा लिया, चलो मैंने 2023 से 17 उठा लेते हैं, ये लो
तो पहला क्वेश्चन है, कॉपर वायर है, ईएम वेव्स है, पोलैरिटी क्वांटम कुछ नहीं है, इंटेंसिटी पैटर्न वाईडीएससी है, मैग्नेटिक है, मॉडर्न फिजिक्स है, ईएम वेव्स है, पोटेंशियल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स बड़े चैप्टर में से है और बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो शुरू में स्टार्ट भी नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैट से। देखो शुरू भी नहीं हुआ, ऑप्टिक्स बाइट सर्वल से शुरू हुआ है, कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी, ये रहा ए एंड बी, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट, तो वी वोल्ट या ई वोल्ट की बैटरी है, स्विच एस को, स्विच एस क्लोज, क्लोज्ड है, तो यानी कि इसको चार्ज किया हुआ है इसने, तो अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि दिस स्विच एस इज नाउ ओपन, ओपन कर दिया, फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डायलैक्ट्रिक और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, इसमें भी के डाल दिया, इसमें भी के डाल दिया, तो कैपेसिटेंस कितनी टाइम्स हो जाएगी, के टाइम कैपेसिटेंस के टाइम, तो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक। अब देखो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो पहले बिना डायलैक्ट्रिक के ई की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, या ऐसा भी कर सकते हो कि इसके अंदर आपको देखो वो क्या पूछ रहा है कि आपको एनर्जी स्टोर्ड बतानी है पहले और बाद में कितनी है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बतानी है बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक, तो रूल नंबर वन कि पहले एक काम करते हैं कि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं था, जब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं था तो ऐसे केस में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला या तो हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब दोनों कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कितनी है, 2C, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू 2C इंटू V स्क्वायर, E1 आ गया, फिर डायलैक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस K टाइम KC KC, फिर से पैरेलल में है, फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हाफ इंटू कैपेसिटेंस इंटू V का स्क्वायर, E2 आ गया, दोनों को डिवाइड करना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मुश्किल नहीं है, एक बार बिना डायलैक्ट्रिक के, एक बार डायलैक्ट्रिक के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले निकालो बाद में निकालो, हाफ सी वी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू डायपोल ऑफ लेंथ 2s, तारा से चलती आ रही है डायपोल की कहानी, यानी कि ये क्वेश्चन डायपोल पे आना ही आना है, डायपोल 2a एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन के डेरिवेशन डाल दी उसने, आसान है, डायरेक्ट है, इफ दिस डायपोल वर केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है पोजीशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले भी डिस्कस हुआ था, स्टेबल अनस्टेबल में एनर्जी स्टेबल में नेगेटिव होती है और अनस्टेबल में पॉजिटिव, तो ये डिस्कस करना है केस, राइट, एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, चलो थ्योरी आ गई किसकी, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क की, सीधे सीधे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम इन फाइनाइट प्लेन शीट की डेरिवेशन आ गई, इसमें आ ही रही है आज के, क्या है तो 10 साल का प्रोडक्ट होगा, 10 साल में से आएगी, तो इन फाइनाइटली लार्ज थिन प्लेन शीट सिग्मा एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक शीट ले लो, आपने फर्स्ट डेरिवेशन में शीट तो ले ली पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, तो ई क्या लगाएगा, ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कह रहे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को कहां से लेके आना है, इनफिनिटी टू दिस पॉइंट, यहां पर लेके आना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया, क्या करें, तो करें वर्क डन कैसे निकले, इसमें बी पार्ट में अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ही करोगे और करोगी क्या, इसमें वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है क्यूई इनटू डॉट डीआर, कहां से लिमिट लगेगी, इंफिनिटी से आर तक, तो लिमिट लगाना आंसर आएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप चेक करो इसमें, तो ई के अंदर आर चेंज हो रहा है, तो ई इंटू लिमिट लगा के आंसर करना पड़ेगा इन्फिनिटी से आर, और पूछा उसने वही पोटेंशियल एनर्जी का केसी पूछा है, वर्क डन एलसीआर एसी जनरेटर तो बचपन से आ रहा है, देख लो आप कितने लोग निकल के एसी जनरेटर पास कर करके, ये लो लेंस मेकर, लेंस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ईएमआई
एक्सरेज, मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये तो बायोकैनिक है, लॉजिक गेट्स तो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के ऊपर है, हाइड्रोजन की सीरीज पूछ रहा है, वोल्टेज के एन एन पी एन, इलेक्ट्रोस्टैट्स का और कुछ नहीं है, डन।